जहाँ आस्था है वहाँ ही रास्ता है। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्सनेस। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। ठीक है, हर किसी इंसान को एक ना एक वक्त पर किसी ना किसी मोड़ पर भगवान का सहारा लेना ही पड़ता है, जितने भी आप नास्तिक हो जाएं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगता है नहीं यार, भगवान में कुछ तो ताकत है, आस्था में ही रास्ता है, भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति है। यह सिद्ध कर दिया था पहले भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने। विराट कोहली आप जानते हैं पहले तो अपने आप को एक इंटरव्यू में बताते हुए नजर आ रहे थे कि भैया मैं आपको लगता हूँ कि टैटू वाला इंसान भक्ति पूजा पूजा करता होगा। लेकिन उसके बाद जब उनका खराब पैच आया, रफ पैच आया, तो उन्होंने और किसी का नहीं बल्कि महाकाल भगवान का सहारा लिया। सबसे पहले विराट कोहली कैंची धाम नैनीताल में कैंची धाम गए थे, जहां से आने के बाद उन्होंने शतक लगा दिया था। उसके बाद ओडीआई में पहले शतक लगा दिया था, उसके बाद विराट कोहली वृंदावन गए नए साल में, जहां पे नीम करोली बाबा की समाधि है, वहां से वो वापस आए तो उन्होंने फिर ओडीआई में शतक जड़ दिया। तो बेसिकली जब वो भगवान के मंदिर गए हैं तब तब शतक जड़ा। और अभी आपने देखा कि महाकाल उज्जैन, महाकाल के दर्शन करने विराट कोहली पहुंचे थे, जैसे ही वहां से वापस आए अहमदाबाद में टेस्ट में भी शतक जड़ दिया। तो बेसिकली बात यह है कि बहुत ज्यादा आस्था में लीन अब हमें विराट कोहली नजर आते हैं। लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें करते हैं कि भैया विराट कोहली इसलिए मंदिर जा रहे हैं क्योंकि उनका रफ पैच चल रहा है, उनको शतक मारना है। यानी मंदिर जाओ शतक लगाओ, मंदिर जाओ फॉर्म में वापस आओ। और अभी इस कड़ी में यानी भगवान की जो भक्ति है यानी लाइन में अब केएल राहुल भी जुड़ चुके हैं। केएल राहुल आपको याद होगा कि तीसरे टेस्ट मुकाबले से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो जो तीसरा टेस्ट मुकाबला था इंदौर टेस्ट मुकाबले से पहले केएल राहुल अपनी पत्नी आख्या शेट्टी के संग महाकाल उज्जैन महाकाल गए थे। वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना करी थी, साथ ही साथ नंदी ग्रह जो है जहाँ पर भस्म पूजा होती है उसमें भी उन्होंने साथ दिया था, शिवलिंग में उन्होंने पूजा करी थी। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा में लीन नजर आ रहे थे, सोशल मीडिया पे उन दोनों की फोटोज वायरल हो रही थी। तो अब लोग इसको इससे जोड़ रहे हैं कि भैया वहां ये महाकाल के दर्शन करने गए, इसीलिए केएल राहुल ने जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 17 तारीख को पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया, इसीलिए केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी आई क्योंकि वो महाकाल के दर्शन करने गए थे। तो लोगों ने भक्ति को बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से यहाँ पे ले लिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि महाकाल गए इसलिए अर्धशतक आया, कुछ लोग कहते हैं कि भैया केएल राहुल तो खेलते ही ऐसे हैं कि वनडे में तो अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनका अर्धशतक आया। तो तरह तरह की तमाम चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आप कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको भी लग रहा है कि केएल राहुल महाकाल दर्शन करने गए इसीलिए केएल राहुल का भी अर्धशतक आया। और आस्था है तो रास्ता है, यही कहिए। कमेंट्स के जरिए अपनी राय भी बताइए।